आज हम लोग सीखेंगे कि यदि आपके पास तीन बिंदु ज्ञात हो तो आप कैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दर्शाएं ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हमें इन तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला बिंदु दिया गया है 4, 3, तो पहले बिंदु को हम लोग 1 पहला बिंदु है इसलिए x1 मानेंगे इसको। तो x1 बराबर मान लेते हैं कितना दिया गया है 4 और y1 बराबर कितना दिया गया 3 दिया गया है। ठीक उसी प्रकार ये दूसरा बिंदु है, तो दूसरा बिंदु तो ये x है और ये x है और ये y, तो ये दूसरा बिंदु है इसलिए इसको x2 मानेंगे। x2 बराबर दिया गया है 5 और y2 बराबर दिया गया है 2। उसी प्रकार ये जो तीसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु में ये x जगह पर 6 दिया गया है, तो x जगह पर 6 यानी कि तीसरा बिंदु, तो x3 बराबर जो हो जाएगा 6 और y3 बराबर जो होगा 4 हो जाएगा। इनका प्रयोग करके हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया गया है, इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, लिखा है सूत्र में 1/2, तो हम लोग भी लिखते हैं 1/2 बड़ा क्वेश्चन में x1, तो x1 कहाँ लिखा गया है 4, x1 जो लिखा गया है 4, तो यह 4 लिखते हैं छोटा क्वेश्चन। y2, तो y2 की जगह पर क्या है 2 प्राप्त है हमें, तो y2 की जगह 2 लिखते हैं माइनस y3 की जगह लिखा गया है 4, तो यहाँ 4 लिखते हैं क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं प्लस x2 की जगह मिलान करते हैं, x2 की जगह 5 है, तो यहाँ 5 लिखते हैं क्वेश्चन। y3 देखिए कहाँ है यहाँ पर, तो 4 दिया गया है तो 4 लिखते हैं, माइनस है तो माइनस। सूत्र में y1 दिया गया है तो y1 ढूंढिए, यहाँ पर है y1 की जगह जो है 3 है, तो यहाँ 3 लिखते हैं क्वेश्चन बंद। प्लस है तो प्लस लिखते हैं। x3 की ढूंढिए कहाँ है यहाँ पर, तो 6 दिया गया है क्वेश्चन में। y1 - y2, तो y1 जो है 3 दिया गया है और माइनस y2 का मान जो है 2 दिया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने इसे सूत्र के माध्यम से इस पर रख लिए। अब इसे हल करते हैं, सरलीकरण जैसे सरलीकरण करते हैं उसे इसे हल करते हैं। तो 4 पहले कोष्टक, छोटे कोष्टक जो अंदर होते हैं उसे हल करते हैं। छोटे कोष्टक के अंदर जो है 2 में 4 घटाते हैं -2 होगा प्लस 5, 4 में से 3 घटाते हैं 1 होगा प्लस 6, 3 में से 2 घटाते हैं 1 होगा, ये कोष्टक बंद हो गया। 1/2 गुणा कर लेते हैं, 4 गुने के 8 -8 होगा प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा प्लस 6 का गुणा करते हैं 6 एकम 6 5 11 होते हैं और 11 में से 8 घटा लेते हैं, तो 11 में से 8 घटाते हैं 3 होगा, यहां लिखते हैं 1/2 कोष्टक में जाएगा 3, इसे गुणा कर लेते हैं। जब भी कोष्टक तोड़ा जाता है इस इन दोनों के बीच की जो चिन्ह होता है वो गुणा होता है, तो गुणा करते हैं 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा और 2/2, यानी कि आप किसी भी 3 बिंदु से त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।